अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के सामने इसी साल की शुरुआत में जब सबसे बड़ी मुसीबत आई तो तमाम लोगों को लगा कि अडानी ग्रुप और गौतम अडानी के लिए वापसी करना नामुमकिन होगा। 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे कि अडानी ग्रुप के बार बार इन्हें खारिज करने के बावजूद शेयरों में तेज गिरावट को रोका नहीं जा सका। लेकिन वो गौतम अडानी ही थे जो अपने जीवन की शायद सबसे बड़ी क्राइसिस के सामने टिके रहे। उन्होंने कारोबार को इस सबसे बड़े भूचाल में भी थामे रखा और धीरे धीरे इस पूरे संकट से खुद को बाहर निकाल लिया। बल्कि गौतम अडानी ने जिस तेजी से खुद को दोबारा खड़ा किया है उससे हर कोई आज हैरत में है। हाल के दिनों में अडानी ग्रुप को लेकर कई अच्छी खबरें सामने आई और इनके चलते अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जैसे रॉकेट बन गए। अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों में सभी में ऐसा उछाल आया कि इन्वेस्टर्स की तो चांदी हो गई। GQG पार्टनर्स वाले राजीव जैन को ही ले लीजिए, चंद महीनों में उनका अडानी ग्रुप में लगाया गया पैसा डबल हो गया है और ये रकम अरबों डॉलर में है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी का फायदा केवल इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा खुद गौतम अडानी को हुआ है। चंद दिनों में ही उन्होंने अरबों डॉलर की दौलत कमा ली है और इसी बूते वे एक दफा फिर से दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में ताबड़तोड़ बाकियों को पछाड़ते चले जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की दौलत बढ़कर अब 82.5 अरब डॉलर हो गई है और वे दुनिया भर के बिलियनेयर्स की लिस्ट में उछल कर सीधे 15वें नंबर पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उनकी ही दौलत में हुई है। महज एक ही दिन में उनकी संपत्ति 12.3 अरब डॉलर बढ़ गई है। गौतम अडानी की दौलत में हुई इस तेज इजाफे से एक बड़ा खतरा देश के मौजूदा वक्त के सबसे रईस शख्स के तख्त के लिए भी पैदा हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में फिलहाल 13वें पायदान पर है, यानी गौतम अडानी और उनके बीच अब महज 2 पायदान का फर्क रह गया है। मुकेश भाई की दौलत 91.4 अरब डॉलर है और इसमें हाल में 1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस तरह से देखें तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच का फर्क 9 अरब डॉलर के करीब रह गया है। हालांकि इस साल की शुरुआत से अब तक देखा जाए तो मुकेश अंबानी की दौलत 4.33 अरब डॉलर बढ़ी है जबकि गौतम अडानी की दौलत 83 अरब डॉलर घटी है। इस साल की शुरुआत में गौतम अडानी की दौलत 120.5 अरब डॉलर के हाई पर पहुंच गई थी और वे दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स बन गए थे। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे जल्द ही दुनिया के सबसे रईस शख्स भी बन जाएंगे। हालांकि इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी की नेटवर्थ में हो रहे इजाफे पर ब्रेक लगा दिया और शेयरों में गिरावट के साथ उनकी नेटवर्थ भी गिरती चली गई। लेकिन हाल के दिनों में एक के बाद एक कई बड़ी खबरें अडानी के फेवर में आई। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में नवंबर में हुई सुनवाई में इन्वेस्टर्स को ये इशारा मिला कि शायद अब अडानी ग्रुप पर छाए संकट के बादल पूरी तरह से छट जाएंगे और ग्रुप पर कोई बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसके बाद 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बंपर जीत ने भी ऐसा माहौल बनाया कि अडानी ग्रुप को लेकर सेंटिमेंट्स बुलिश हो गए। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि देश इंफ्रा पावर जैसे सेक्टर्स में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा और इससे अडानी पावर का कारोबार भी तेजी से दौड़ेगा। इसके बाद बड़ी खबर आई कि अमेरिकी एजेंसी ने अडानी पोर्ट को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग के आरोप निराधार है। इसके बाद तो जैसे इन्वेस्टर्स को लगा कि हिंडनबर्ग का पूरा मामला ही फालतू था और बस इसी सेंटिमेंट से अडानी ग्रुप के शेयर तूफानी रफ्तार से दौड़ पड़े। खैर, ये तो थी पूरी कहानी, लेकिन बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी अब फिर एक बार दुनिया के सबसे रईस शख्स बनने के रास्ते पर दौड़ पड़े हैं और इसके पहले पड़ाव में वो जल्द ही मुकेश अंबानी को पछाड़ सकते हैं। देखना ये होगा कि वे इस हफ्ते ही इस मुकाम को पा जाएंगे या इसमें उन्हें अभी और कुछ वक्त लगने वाला है।